अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रुमा खान। आज मैं आप लोगों के सामने चीज़ी चिकन क्रॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यम्मी सी डिश बनती है, रमज़ान स्पेशल है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून बटर लिया है। इसको बटर में ही बनाएं, ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर बटर नहीं है तो आप घी ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, उसे ऐड कर देंगे। प्याज को हमें कुछ सेकंड के लिए सॉटे करना है, क्योंकि गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ नरम करना है। प्याज हमारी हो गई है। अब मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है, उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो निकल जाए। 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर मैं यहाँ पे दूध ऐड करूँगी। 1 कप दूध लिया है, पहले मैं इसमें थोड़ा दूध ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि कोई लम्स ना रह जाए इसमें। बाकी का बचा हुआ दूध भी मैं सब इसमें डाल दूंगी। अब अच्छे से सब मिला देंगे और इसे भी 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। मिलाते जाएंगे और ये पकते जाएगा। चम्मच को हमको चलाते रहना है, ताकि कोई लम्स ना बने इसमें। फिर यहाँ पे मैं 1 कप बॉयल चिकन है, जिसके रेशे अलग कर लिए थे, उसे ऐड कर देंगे। और 1 कप बॉयल किया हुआ आलू है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसे ऐड कर देंगे। फिर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है हमें, ताकि हमारे जो मसाले हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ आप कोई सी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं आप इसे। अच्छे से मिला देंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। आप इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं और बाहर हवा में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। अब हम इसे इसके क्रोकेट्स बनाएंगे। छोटे छोटे रोल का शेप देंगे हम इसे। इसी तरीके से मैं सब बना के रेडी कर लूँगी। पूरे उस बैटर में हमारे 12 क्रोकेट्स रेडी हुए हैं। मैंने एक अंडा लिया है और उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड किया और उसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब सबसे पहले मैं इसमें मैदे में कोट करूँगी। मैदा लगाने के बाद फिर मैं इसे अंडे में डिप करूँगी। फिर उसके बाद इसे ब्रेड क्रम लगाएंगे। इसके ऊपर ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। ये देखिए, हमारे क्रोकेट्स बनके रेडी है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी बनाऊंगी। पहले मैदे में कोट करूंगी।
फिर उसे अंडे में डिप करूँगी और फिर उसके बाद इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे क्रोकेट्स को बना के रेडी कर लूँगी। मैंने सारे क्रोकेट्स को रेडी कर लिया है, अब इसे फ्राई करते हैं। तेल हल्का गर्म होने के लिए रखा है, तेल को ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, मीडियम ही गर्म करना है और उसमें क्रोकेट्स को डाल देना है। इसे हमें गोल्डन, अच्छा गोल्डन होने तक की फ्राई करना है। फ्लेम हमारी मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छा सा क्रिस्पी होने तक की फ्राई करेंगे। इसके साइड को चेंज करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। ये देखिए सब तरीके से हमारे क्रोकेट्स अच्छे से गोल्डन कलर हो गया है इसका, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे, बाकी के क्रोकेट्स भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमारे क्रोकेट्स सब फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं एकदम अच्छे से, अंदर से क्रीमी होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।